करहल में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत के बाद अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल के प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है, जहां पीड़ित परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में न्यू आशा हॉस्पिटल करहल में डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत के बाद अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल सील कर दिया गया है, जहां झोलाछाप डॉक्टर मरीज का उपचार कर रहे थे, उनकी जेब खाली करने में तुले हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार झोलाछाप चिकित्सक से छापेमार कार्रवाई की गई है। वहीं करहल में नवजात मृत्यु के बाद चिकित्सक अधिकारी प्रदीप यादव, उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यू आशा हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। मामला ये है कि यहाँ पे न्यू आशा हॉस्पिटल करके है करहल में, गौशाला के पास, वहाँ पर एक महिला जिसके द्वारा काम किया गया था, उसकी आज किसी वजह से चोट लगने की वजह से या कोई चीज लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद में ये पता चला कि हॉस्पिटल के जो संचालक है, जब यहाँ मौके पर यूनिवर्सिटी नहीं मिले उनको, लेकिन हिरासत में ले गए थाने में और उनके विरुद्ध मुझको 10 बजे वहाँ के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप साख जी का फोन आया, तो उन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी। घटना की जानकारी होते ही मैंने वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप यादव को तुरंत वहाँ भेजा घटनास्थल पर जानकारी लेने के लिए, और यहाँ से झोलाछाप के नोडल अफसर डॉक्टर अजय कुमार को भेजा। नर्सिंग होम जो है पंजीकृत नहीं था और उन लोगों ने नर्सिंग होम को सील कर दिया। वहाँ पर उस समय 6 मरीज और भी भर्ती थे, उसमें से 3 मरीजों को 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहल में भर्ती कराया गया, तथा तीन मरीज के घर वाले अपने मरीजों को सफाई ले जाना चाहते तो उनको भी 108 एम्बुलेंस से सफाई भेजवा दिया गया है। नर्सिंग होम सील कर दिया गया है, वहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उस पर होगी। सर, लगातार जिले में अवैध पंजीकरण अस्पताल खुले हुए हैं जिस पर कार्रवाई भी की जा रही है, तो इन पर किस तरीके से लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है? तो इसमें जब तक जन जागरूकता और समाज में नहीं फैलेगा कि हम झोला छाप के ना जाएं इलाज करने, हर जगह सरकारी अस्पताल उपलब्ध हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, उनको पहले वहीं पे जाना चाहिए, तब ये ख़त्म होगा। बाकी जहाँ से कहीं से भी जानकारी मिलती है पूरी कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की भी जा रही है।